सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया ना कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्लियर आप लोगों को? ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था शो, और हम लोग बात कर चुके थे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, ठीक है, जो हमारे जे.जे. थॉमसन साहब ने वोल्टेज दी, कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ उसमें, कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, फिर उसके प्रेशर को कम किया गया तब भी थोड़ा सा ग्लो प्रोड्यूस हुई और उसके अंदर से करंट फ्लो होने लगा। उन्होंने प्रेशर को और कम कर दिया, अप्रोक्सीमेटली 1 एटमोस्फेयर के आसपास ले आए, 10^-4 ml के लिए पास। तो वहां पर उन्होंने देखा कि अबकी बार ग्लो प्रोड्यूस नहीं हुई थी, लेकिन करंट फ्लो हो रहा था और कुछ रेज थी जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी। क्लियर है? और ये कहा था कि जो ये एनोड रेज है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनका नाम था इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई है, ये बात उन्होंने हमको बताई। क्लियर? अब बात को जरा समझिए और गौर कीजिए कि जब मान लो यहां से कैथोड रेज जा रही थी तो यहां पर कुछ गैस के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, मानते हो? क्लियर आप लोगों को? और जब गैस के पार्टिकल्स यहां पर प्रेजेंट थे और यहां से कौन निकल रही थी अपने पास, कैथोड रेज निकल रही थी, तो वो कैथोड रेज जाकर जब इन गैस के पार्टिकल्स के ऊपर स्ट्राइक कर रही थी, क्लियर आप लोगों को, और जब स्ट्राइक कर रही थी तो स्ट्राइक करने के बाद वो गैस के पार्टिकल यहां से क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे थे। और ये इलेक्ट्रॉन्स किधर मुंह कर रहे थे, फिर आगे एनोड की तरफ मुंह कर रहे थे, अरे बताओ भाई। और वहां पर जाकर जो ये जिंक सल्फाइड का कोटेड किया हुआ था, इसके ऊपर जाके ग्लो प्रोड्यूस कर रहे थे परफोरेटेड एनोड से होते हुए। क्लियर? अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे तो गैस के ऊपर कैसा चार्ज छोड़ के जाएंगे, बताओ, गैस के बॉटम एटम्स के ऊपर कैसा चार्ज छोड़ के जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहे करने लगेंगे, बताओ, कैथोड की तरफ मूव करने लगेंगे। मैं पॉजिटिव चार्ज किधर, क्योंकि कैथोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो कैथोड की तरफ जब ये मूव करने लगेंगे तो ये इधर मूव करने लगे, तो इनको नाम दिया गया एनोड रेज। अब बात क्लियर, समझ लेना कि एनोड रेज कभी भी एनोड से नहीं निकलती, एनोड रेज कैथोड और एनोड के बीच में से निकलती है। क्लियर है? और किस प्रकार से निकलती है ये बात हम लोगों ने बात की, तो इन रेज को किसका नाम दिया गया, एनोड रेज का नाम दिया गया। क्लियर आप लोगों को? लास्ट क्लास में आप लोगों ने कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था और अब की बार आप लोग एनोड रेज के बारे में डिस्कस कर रहे हो। तो अब एनोड रेज की बात, हमें एक बात कन्फर्म हो गई कि इनके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज प्रेजेंट है इनके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, एनोड रेज भी किसकी बनी हुई थी, किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई थी। क्लियर है आप लोगों को? ये बात हमें कैसे पता चलेगी, आप लोगों को पता है भाई पॉजिटिव चार्ज कैसे है? अगर मान लो मैं किसी एनोड रेज को अप्लाई करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, तो ये किधर माइग्रेट करने लग जाती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो जब ये नेगेटिव चार्ज की तरफ माइग्रेट करने लग जाती है, इसका मतलब ये खुद के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है भाई? अच्छा भाई, दूसरा मैटेरियल की बनी हुई है, मान लो मैंने रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया इस प्रकार से ना। क्लियर आप लोगों को? इनके ऊपर मैं एनोड रेज की सप्लाई करता हूं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो ये जो व्हील है ये क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। और जब ये रोटेट करने लग जाएगा तो हम कह सकते हैं कि किस नेचर की है, मटेरियल नेचर की, मतलब किसी ना किसी मटेरियल से ये बनी हुई है। क्लियर आप लोगों को? ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये मटेरियल होता है। तो ये बात अपने को जनरली, जैसे देखो जो कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया था जे.जे. थॉमसन साहब ने, उसके बाद जब जे.जे. थॉमसन साहब को देखा तो उसके बाद आए ई. गोल्डस्टाइन, और वो भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे थॉमसन ने किया था वैसे सब कुछ करने लगे, और ये पूरा फिनोमिना बताया कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज छोड़कर पीछे जाएंगे, वो इधर मूव करेंगे, जिनको एनोड रेज का नाम दिया उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का। तो हम लोग अब कह सकते थे कि जो एनोड रेज है वो कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज मटीरियल टाइप की बनी हुई है, और जिनका नाम बाद में पता चला
प्रोटॉन। किसका नाम पता चला? प्रोटॉन। अब ई गोल्डस्टाइन के दिमाग में ये बात कैसे आई कि भाई वास्तव में यहाँ पर कोई प्रोटॉन भी प्रेजेंट होगा? देखिए, जब आप लोगों को जे जे थॉमसन साहब ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया और डिस्चार्ज ट्यूब लेकर सब वो बातें की, तो उन्होंने बताया हम लोगों को कि जो एटम होता है उसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होता है और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब सिंपल सी बात है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ओवरऑल एटम न्यूट्रल नेचर का है, और अब कह रहे हो कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब अगर ओवरऑल एटम न्यूट्रल टाइप का है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है तो कोई ना कोई चीज उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की होगी, तभी तो हम लोग कह सकते हैं कि एटम कैसा होगा? न्यूट्रल। तो ये बात उनके दिमाग में आई और उन्होंने फिर उस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और वहां से फिर उन्होंने एनोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। एनोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को फिर से बता रहा हूं, क्या हुआ कि जो कैथोड रेज यहां से निकल रही थी वो कैथोड रेज जाकर गैस के पार्टिकल से गैस के एटम्स के ऊपर जाकर स्ट्राइक की, और वहां से वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही थी? बाहर निकाल रही थी। और जब इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल रहे थे तो पीछे कौन सा चार्ज छूट गया था? पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज किधर माइग्रेट करने लग गए थे? कैथोड की तरफ। इस वजह से इनको हमने एनोड रेज कहा, और एनोड रेज पॉजिटिव चार्ज की बनी हुई होती है, ये बात भी हमने कंफर्म कर ली। इनकी कुछ प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी जो कैथोड रेज की थी, लगभग सारी वो की वो प्रॉपर्टीज ये शो कर पा रही थी, लेकिन कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज थी और एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज थी। यहां तक की बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी हमारे ई गोल्डस्टाइन साहब ने। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारी एनोड रेज और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। उसके बाद कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स भी निकाले, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स के केस में जे जे थॉमसन साहब ने हम लोगों को बताया था, और क्या बात बताई थी कि चार्ज बाई मास जो रेशियो है दैट इज द 1.76 × 10⁸ कूलंब पर ग्राम, यही था। वहीं पर चार्ज हम लोगों को बताया था 1.60 × 10⁻¹⁹ कूलंब। क्लियर आप लोगों को? ये बात हम लोगों को पता चली थी। वहीं पर हम लोगों को मास भी पता चला था 9.11 × 10⁻²⁸ केजी, दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है आप लोगों को? दिस इज द मास ऑफ, सॉरी नॉट इन केजी, दिस वन ग्राम्स, कंफ्यूज हो जाता हूं मैं। तो ये हमारे पास क्या था? मास था, चार्ज बाई एम था, किसके? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ये हम लोगों को किसने बताया? जे जे थॉमसन ने। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जे जे थॉमसन साहब की बात सुनने के बाद ई गोल्डस्टाइन ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद उन लोगों ने भी मुझे बताई कुछ बातें। और क्या बातें बताई? कि भाई जो चार्ज होता है वो बिल्कुल सेम होता है जितना इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, और वो कितना होता है? 1.60 × 10⁻¹⁹ कूलंब, इतना चार्ज होता है। लेकिन इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है आप लोगों को? इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और ई बाई एम चार्ज बाई मास का जो रेशियो होता है 9.58 × 10⁴ कूलंब पर ग्राम, दिस इज द चार्ज बाई मास रेशियो, दिस इज द चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ दी, इसका बेटा ये इसका है, ये इसका है प्रोटॉन का। क्लियर आप लोगों को? और अब अगर मैं बात करूं, कल की क्लास में हम लोगों ने जब डिस्कस किया था कि E by M हम लोगों ने लिया, और उससे हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए, E अपॉन E by M दोनों का रेशियो निकाल लो, M ऊपर चला जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? मास बचा। तो बेटा मैं रखूंगा यहाँ पर E की वैल्यू कितनी, 1.60 × 10⁻¹⁹ अपॉन 9.58 × 10⁴। क्लियर है? और इसका मास आप लोगों ने देखोगे तो जब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, ये हमारे पास क्या आई? वैल्यू आई प्रोटॉन के मास। क्लियर है आप लोगों को? तो ये मेरे पास प्रोटॉन का मास हो गया, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन का सॉरी प्रोटॉन का चार्ज हो गया, और ये मेरे पास यहाँ पर इसका ई बाई मास चार्ज बाई मास का रेशियो हो गया। क्लियर है आप लोगों को? तो ये सब बातें मैंने आप लोगों के साथ की हैं, जरा देखिए आगे की तरफ। सो दो बातें क्लियर होगी कि एटम के अंदर अब दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। क्लियर आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन साहब ने की,
और प्रोटॉन की डिस्कवरी हमारे ई गोल्डस्टाइन साहब ने। यहां पर आप लोगों का चार्ज था वो कितना था 1.60 × 10⁻¹⁹ कूलम, चार्ज बाय मास रेशियो कितना था 1.76 × 10⁻¹⁸ कूलम पर ग्राम, और लास्ट में मास था इज इक्वल टू 9.11 × 10⁻²⁸ ग्राम। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है आप लोगों को? ये मेरे पास रिजल्ट था। अगर मैं बात करूं गोल्डस्टाइन की तो चार्ज कितना था, चार्ज बिल्कुल सेम था, मींस चार्ज की वैल्यू सेम थी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम था, बट इलेक्ट्रॉन के केस में ये जो मैग्नीट्यूड था ये नेगेटिवली चार्ज था और यहां पर ये जो वैल्यू थी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज वैल्यू। क्लियर है? चार्ज बाय मास की जो वैल्यू है यहां पर आप लोगों के सामने प्रोडक्ट के अंदर वो है 9.58 × 10⁴ कूलम्ब पर ग्राम, और लास्ट में मास इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। इट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये सब बातें हम लोगों को पता चल गई इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। ये बेटा कैसे डिस्कवर हुआ था, कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, और ये किससे हुआ था, एनोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। हम लोगों को ये सब बातें पता चली थी। अब मैं बात करता हूं तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1/1837। क्लियर आप लोगों को? किसके? हाइड्रोजन एटम के मास, हाइड्रोजन के एटम के 1/1837 मास के। क्लियर आप लोगों को? इसके इक्वल है कैसे भाई, जरा देखिए। आपको पता है 6.022 × 10⁻²³ एटम्स का मास कितना होगा हाइड्रोजन के केस में, एक एक का कितना होगा 1.6022 × 10⁻²³, कितना होगा एक हाइड्रोजन के एक एटम का मास, अरे बताओ इतना ही होगा। क्लियर? हाइड्रोजन के एक एटम का मास इसका है 1.008 होता है एक्चुअली ना, तो वो रख लो, लिख लो यहां पर। तो आप एक एटम का मास सोल्व किया। अब एक एटम का जब आप लोगों ने मास सोल्व किया और आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन का मास देखा, जब इन दोनों को कंपैरिजन किया तो हमारा इन दोनों के मास के अंदर जो डिफरेंस था दैट इज द 1837, इतना पार्ट हाइड्रोजन के मास के बराबर था। क्लियर है? हाइड्रोजन के एक एटम के मास का इतना पार्ट इलेक्ट्रॉन का मास होता है। क्लियर है? बट इसके केस में अगर मैं बात करूं तो इसका मास हाइड्रोजन के एटम्स के नियरली इक्वल ही होता है, हाइड्रोजन के एटम्स के नियरली इक्वल होता है। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आई है क्या बात मैंने क्या बताई भाई? आपको पता है ये हाइड्रोजन का मोलर मास है। क्लियर है आप लोगों को? तो एक मोलर मास किसके बराबर होता है हाइड्रोजन नंबर की, दैट इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²³। तो एक एटम का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग। क्लियर आप लोगों को? तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसको सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिजल्ट, हम लोग दोनों रिजल्ट्स को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो इट इज इक्वल टू द 1/1837, इतना बड़ा भाग होता है इसका हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में। लेकिन प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो इसका मास अप्रोक्सीमेटली नियरली सेम होता है किसके, हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हम लोगों के चैडविक साहब थे, उन्होंने बताया न्यूट्रॉन के बारे में। और कैसे बताया जरा देखिए, इस चीज को समझिएगा, चैडविक ने कैसे बताया। उन्होंने बताया कि भाई किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो जितने प्रोटॉन्स हैं, क्लियर है, उतना ही उस कंपाउंड का एटॉमिक नंबर है। क्लियर है? लेकिन जितने प्रोटॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर है उसका एटॉमिक मास उनसे डिफरेंट है। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई? चैडविक ने क्या बताया भाई, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन एटम का जो सारा मास है आपको पता है कहां पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? एटम का सारा मास कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने देखा कि भाई प्रोटॉन्स तो प्रेजेंट है, क्लियर है, कोई बात नहीं है, यहां तक बात समझ में आ गई, लेकिन एटॉमिक मास उसके बराबर नहीं आ रहा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि यहां पर कोई एक ऐसी चीज, नई चीज प्रेजेंट है जिसका कोई ना कोई मास तो है लेकिन उसके ऊपर क्या होगा, कोई चार्ज नहीं है। मेरी बात समझ में आया? चैडविक साहब ने बताया कि यहां पर एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स जो थे वो एटॉमिक नंबर के बराबर तो थे लेकिन उनका एटॉमिक मास से कोई ताल्लुकात नहीं है। मतलब आप जितने प्रोटॉन्स ले रहे थे उसका एटॉमिक मास
उतना नहीं था, एक्सेप्ट हाइड्रोजन की मैं बात करूं आप लोगों के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर तो न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है। तो उन्होंने देखा कि भाई एटॉमिक मास है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर तो आ ही नहीं रहा। तो वो कंक्लूजन निकाला उन्होंने, और क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई जितने प्रोटॉन्स हैं वो एटॉमिक मास के बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एक कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी प्रेजेंट है जिसका कोई ना कोई मास है, लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है? और वो चार्ज नहीं होने बाद में पता चली वो चीज क्या थी, न्यूट्रॉन थी। अब बात करते हैं कैसे पता चलेगा कि वो चीज वहां पर कैसे थी। इसके लिए आपको एक पहले रेडियो एक्टिविटी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो जरा देखिए, मैंने क्या बनाया, एक लेड कैविटी ली, लेड की कोई कैविटी बनाई और उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका नाम था यूरेनियम वो रखा। क्लियर है? और उसके बाहर मैंने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई जिसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की थी। क्लियर आप लोगों को? जिसके ऊपर मैंने क्या की, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी। समझ में आ गया आप लोगों को? ये बात मैंने आप लोगों को बताई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर मैंने अप्लाई की, और अप्लाई करने के बाद आप लोगों के ऊपर, तो यहां से देखिए कि तीन रेज निकलेंगी। पहली निकलेगी अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। मींस रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट या ऐसे पार्टिकल्स जो अपने आप धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होते हुए चलते हैं, अपने आप टूटते हुए जाते हैं, और जब वो टूटते हुए जाते हैं तो अल्फा बीटा और गामा रेज को बाहर निकालते हैं। क्लियर है आप लोगों को? अल्फा रेज जो होती है उसके ऊपर चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है और उसका मास दुगना होता है। क्लियर आप लोगों को? मतलब एक अल्फा का मतलब 2He4, इट इज इक्वल टू अल्फा पार्टिकल। हीलियम का एक मॉलिक्यूल अल्फा पार्टिकल के बराबर माना जाता है। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ गया? बीटा पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन उनका कोई मास नहीं होता। क्लियर है? और गामा पार्टिकल्स जो होते हैं, गामा, उनके ऊपर यहां पर आप लोग देखोगे कि गामा पार्टिकल्स के कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होती, मतलब गामा हमारे कैसे रहेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। क्लियर आप लोगों को? तो अल्फा के ऊपर क्या चार्ज होगा जरा बताओगे, पॉजिटिव चार्ज। बीटा के ऊपर क्या चार्ज रहेगा, नेगेटिव। और गामा के ऊपर क्या चार्ज रहेगा, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो जब ये अल्फा बीटा और गामा रेज यहां से बाहर निकलेंगी तो अल्फा रेज सबसे ऊपर पहले कहां, किस साइड मूव करेंगी बताइए, इनके ऊपर खुद के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो किधर माइग्रेट करेंगी ये, नेगेटिव चार्ज की तरफ। बीटा रेज किधर माइग्रेट करेंगी बताइए भाई, और गामा रेज किधर माइग्रेट करेंगी, बिल्कुल स्ट्रेट, ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती हैं हमारी गामा रेज। क्लियर आप लोगों को? तो ये एक रेडियोएक्टिविटी कॉन्सेप्ट है। जनरली सबसे पहले मैडम क्यूरी ने रेडियोएक्टिविटी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की डिस्कवरी की थी उन्होंने, और हमें बताया था कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने अंदर से अल्फा बीटा और गामा रेज को बाहर निकालते रहते हैं, खुद अपने आप डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। क्लियर है? उन्होंने ये बताया कि अल्फा रेज का मतलब क्या होगा, 2He4 के बराबर होंगी, बीटा किसके बराबर होंगी, माइनस चार्ज के बराबर होंगे, और गामा के ऊपर हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास एक रेडियोएक्टिविटी कॉन्सेप्ट था, और चैडविक के बारे में क्या बातें बती वो हम। सो चैडविक ने 1832 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने कुछ अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट, बेरिलियम एटम के ऊपर करवाई, तो उनको एक नया पार्टिकल मिला। क्या था जरा देखिए, मैं अल्फा पार्टिकल को मैं क्या लिख सकता हूं, 2He4, बेरिलियम को कितना लिख सकता हूं बताइए भाई, 4, मास कितना होता है, 9। क्लियर है? तो यहां पर क्या बन जाता था, कार्बन बन जाता था, जिसका कितना होता है, 12C6। अब देखिए जरा क्या हुआ, 4 और 9 कितना हुआ, 13, लेकिन मास कितना है, 12 आया यहां पर, और ये कितने हुए हमारे पास, 6 ही हुए एटॉमिक नंबर इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर कोई एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर चार्ज तो नहीं है। क्लियर आप लोगों को? क्या है, चार्ज तो नहीं है, लेकिन उसका क्या है, कोई ना कोई मास जरूर है, तभी तो ये लिखेंगे यहां पर, और इसी को इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। क्लियर है कि मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा, जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम के ऊपर बॉम्बार्ड कराया तो एक नया पार्टिकल निकला, और उस पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, बट उसका कोई ना कोई क्या था, मास था। क्लियर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई यहां तक की?
अरे बताइए मेरे भाइयों, ठीक है अभी देख नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं अल्फा पार्टिकल्स की बोम्बार्डमेंट क्या करवाता हूं, बोरोन एटम के ऊपर करवा देता हूं, तो बोरोन कितना है हमारा भाई, 5, ठीक है, और ये 11, ठीक है, और क्या बनेगा बताइए अगर इसके ऊपर कराएंगे तो, नाइट्रोजन जिसका क्या होता है 7, नाइट्रोजन 14 प्लस 1 न्यूट्रॉन हमारा यहां पर भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसने कंफर्म किया कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स उसके एटॉमिक मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और न्यूट्रॉन एक वो सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बल्कि उसके ऊपर क्या होगा, मास होगा, और इसका जो मास है वो भी नियरली इक्वल टू किसके होता है, एक हाइड्रोजन एटम के बराबर। तो आप लोगों को पता चला इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो 1/1837 टाइम्स होता है किसके, हाइड्रोजन के एटम के, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम होता है किसके, हाइड्रोजन एटम के। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस किया था कि एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है बट उसका कोई ना कोई क्या है, मास प्रेजेंट है। मैं सारी बातों को एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात है और आप लोगों की तीनों डिस्कवरी कंप्लीट हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं विलियम क्रूक्स की। विलियम क्रूक्स आए और उन्होंने एक कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को सराहा, मतलब किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को देखकर जे जे थॉमसन साहब ने वहां पर कुछ बातें की और उन्होंने बताया कि जो कैथोड रेज है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिनका चार्ज कितना था मैंने बताया था 1.60 × 10⁻¹⁹ कूलम, और जिनका चार्ज बाई मास रेशियो कितना था 1.76 × 10⁻¹⁸ कूलम। क्लियर है आप लोगों को, 8 कूलम पर ग्राम ये था, और जिसका मास कितना था 9.11 × 10⁻²⁸ ग्राम, ये उनका हमारे पास क्या था, मास था, ठीक है। उसके बाद जब कैथोड रेज ट्यूब से कोई चीज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी तो कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो कह दिया हमने, ये सब बातें हम लोगों ने कर ली। उसके बाद हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आए और वो थे ई गोल्डस्टाइन। उन्होंने कहा कि जब कैथोड रेज से एनोड की तरफ रेज जा रही है कैथोड से, तो वो रेज स्ट्राइक करती है गैस के पार्टिकल्स के ऊपर, और उस समय गैस के पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं और पॉजिटिव चार्ज को पीछे छोड़ते हैं, और पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करते हैं, कैथोड की तरफ मूव करते हैं, जिन्होंने उनको एनोड रेज का नाम दिया। और एनोड रेज किस बात, किससे बनी होती है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई होती है। उसका भी हम लोगों ने चार्ज और मास की बात की हम लोगों ने, मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट बार बार मैं वही चीज बता रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद पता चली, तो अब हमें पता चल गया था कि एटम के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया आप लोगों को। पॉजिटिव चार्ज कैसे पता चला था कि भाई अगर एटम न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज आप बता रहे हो, तो इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर होगा, जो बात ई गोल्डस्टाइन ने हमें बताई। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए मोस्ले, ठीक है, मोस्ले ने कहा कि भाई अगर किसी एलिमेंट के एटम या किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो वो उसका एटॉमिक नंबर के बराबर है, लेकिन अगर मैं उसका एटॉमिक मास देखता हूं तो वो तो प्रोटॉन के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई एक ऐसा और पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है बट उसका कोई ना कोई मास है। और ये बात फिर आगे जाकर हमारे चैडविक साहब ने हमें बताई कि अगर आप अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्डमेंट बेरिलियम एटम के पास कराते हो तो एक पार्टिकल और जनरेट होता है, या आप अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्डमेंट बोरोन एटम के पास कराते हो तो हमारा एक पार्टिकल और प्रेजेंट होता है, और जिसका नाम हम लोगों ने न्यूट्रॉन रखा, जिसका कोई ना कोई मास जरूर होता है और उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्लियर है आप लोगों को, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आई, और इस प्रकार से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को देखा। क्लियर है आप लोगों को, तो आप लोगों से कल की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे थॉमसन का पुडिंग मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, क्लियर है, और फिर हम बोर मॉडल और उनकी सब बातें करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कवरी की है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, क्लियर है आप लोगों को। रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना क्या होता है ये भी आप लोगों को देखना है, क्लियर है, ओके, थैंक यू।